तो दोस्तों आज की वीडियो में फिर से लेके आ चुका हूं ऐसा एक स्क्रीनर जो कि BTST में 4 से 5 और लगभग 8 से 9% रिटर्न भी देता है। दोस्तों आपको दिखाऊंगा यहां पे इसका बैक टेस्ट दिखाऊंगा जहां पे इसने इतने रिटर्न्स दिए हुए हैं और एवरेजली आपको 2 से 3% तो गारंटेड मिल ही जाएंगे, 4 से 5% भी मिल जाएंगे अगर डे हाई तक रुकते हो। हालांकि आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। तो देखते हैं पूरा स्क्रीनर कहाँ पर मिलेगा वो लास्ट में बताऊंगा, बट चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो सबसे पहले ये मैंने स्कैनर बहुत रिसर्च के बाद बनाया है दोस्तों, और इस स्क्रीनर में कुछ ही फिल्टर्स हैं जो कि काफ़ी लाजवाब हैं और मैंने खुद पर्सनली इनको यूज़ किया, फिर आपको बता रहा हूँ मैं। जैसे कि ये 1 तारीख को सुजलॉन आया 1 फरवरी को, तो मैं ये आपको दिखाना चाहूँगा कि ये 1 फरवरी को काम कैसे किया है। अभी देखिएगा, अगर आप प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज़ अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैसेज कीजिएगा। तो ये देखिएगा दोस्तों सुजलॉन का चार्ट, देखिएगा 1 फरवरी की डेट यहाँ पे, ये 1 फरवरी है ना, ये देखिएगा। तो ये प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में ऐसे ट्रेड्स मिलते हैं दोस्तों 17-17% के, बट अभी देखिएगा दोस्तों यहाँ पे क्लोजिंग के आसपास आपको बाय करना है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कब रन करना है, वो बताता हूँ इस स्टॉक के बाद में। जैसे क्लोजिंग के आसपास आपको बाय करना है और उसकी ओपनिंग के आसपास आपको सेल कर देना है, नॉर्मली यही होता है BTST में। तो लगभग 3.5% के रिटर्न मिले, बट अगर आप डे क्लोज तक भी रुकते हो तो वहाँ पे आपको 0.96% के रिटर्न मिले, यानी कि एक एक मोटा परसेंट 1% मिल गया। और अब डे हाई तक पेशेंस रखोगे तो लगभग 5% आपको डे हाई तक मिले हैं। अभी बात करते हैं स्ट्रेटजी की, कहाँ से आपको स्कैनर रन करना है। ये स्कैनर आपको दोस्तों 3.25, 3.28, 3.29 तक भी रन करते रहना है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आपने स्कैनर में रन किया स्कैन, मान के चलिए सुजलॉन ही आ गया और फिर आपने बाय भी कर लिया, 3.25 पे आया था, आपने 3.26 पे बाय भी कर लिया, बट आपने क्या देखा 3.28 पे तो ये गायब हो गया, सुजलॉन इस लिस्ट से गायब हो गया। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ऐसा नहीं कि उसी स्टॉक को अभी बेच देना है उसी टाइम पर, आपको अगले दिन वेट करना, ओपनिंग पर ही सेल कर देना है। ये तो स्ट्रेटजी हुई जो लोग जो स्टॉक चले जाते हैं, और जो लोग जो स्टॉक मार्केट क्लोज होने के बाद भी रहते हैं, 3.40 के बाद भी रहते हैं, हालांकि 3:30 में मार्केट क्लोज होती है, बट पोस्ट मार्केट के बाद चलो 4 बजे लगा लो, 4 बजे एक बार दोबारा स्कैनर रन करो शाम के 4 बजे, तब भी ये स्टॉक है वो आप लगभग डे हाई तक मतलब इतने एक्सेप्शनल रिटर्न्स आप क्रिएट कर सकते हो 4 से 5% भी, तो उस स्टॉक में आप ले सकते हो। अभी आज बात आती है कि आपको कहाँ पर क्या करना है। मान के चलो आपने 100 क्वांटिटी बाय किया है, तो आप फर्स्ट जो अपनी 50 क्वांटिटी है वो तो डे की ओपनिंग पर ही सेल कर दीजिए। देखिए दोस्तों ये स्ट्रेटजी है, और बाकी जो 50 क्वांटिटी है वो आप 50 में से 25 क्वांटिटी आप डे क्लोज तक वेट कीजिए। अब बाकी जो 25 क्वांटिटी 75 तो होगी, बाकी 25 क्वांटिटी कोशिश कीजिए डे हाई पे सेल करें। हालांकि आपको पता तो होता नहीं कि कौन सा डे हाई है, मतलब 4 से 5% की उम्मीद रखें बाकी 25 बची क्वांटिटी से, मतलब 25% क्वांटिटी से। अभी देखिए NHPC इसी डे में आया था 1 फरवरी, तो ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो ये 1 फरवरी इसी क्लोजिंग के आसपास बाय करना है, ओपनिंग के आसपास आपको कितने रिटर्न मिले 1.5%। BTS में 1.5% लोग ढूंढते हैं 1.5% रिटर्न मिले, और क्लोजिंग तक का आपको मैंने क्या बताया, क्लोजिंग तक 10% के रिटर्न, और डे हाई कहाँ पे लगाया ये देखिए, ये होता है BTS 12% रिटर्न। दोस्तों थंबनेल में ऐसे ही नहीं बताया 12% रिटर्न, तो ये ऐसे 26% के रिटर्न स्विंग ट्रेडिंग मिलते हैं। आप अगर लेना चाहते हैं तो अभी प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ये देखिए 1 फरवरी हो गया, अभी 2 फरवरी दिखाता हूँ, तो सुजलॉन फिर से आया। और एक बात और है दोस्तों, इसमें अवॉइड कीजिए जो स्टॉक बार बार आ रहे हैं, जैसे कि सुजलॉन दूसरी बार आ गया, अगर चौथी पांचवी बार दोबारा आता है तो फिर आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। 2 फरवरी को आया ये देखिए स्टॉक दोस्तों, अभी ये 2 फरवरी है, अभी इसकी क्लोजिंग यहाँ पे है, और देखिएगा दोस्तों अगली कैंडल भी है तो रेड, बट उसकी ओपनिंग कहाँ पे है, लगभग 2% के प्रॉफिट पे है। हालांकि क्लोजिंग थोड़ी सी नेगेटिव है 0.77%, बट इसका जो डे हाई है वो लगभग ऑलमोस्ट 3% का डे हाई है। तो ये ऐसे एक्सेप्शनल रिटर्न्स आपको मिलते हैं हमारे ही स्कैनर से। और ये देखिएगा दोस्तों ध्यान से, 5 फरवरी इनमें स्टॉक में एक भी स्टॉक लॉस में नहीं है, इतने स्टॉक आए हैं। तो यही है मेरी रिसर्च, यही है मेरा स्कैनर दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको दिखाने वाला हूँ। 5 तारीख को आया, तो 5 तारीख की क्लोजिंग के आसपास आपको बाय करना है, अगली ओपनिंग के आसपास आपको सेल करना है, 1.5% मिल गया। और अगर आप डे क्लोज तक वेट करते हो तो आपको लगभग 3% मिल गया, और अगर आप डे हाई तक वेट करते हो लगभग 7% मिल गया। दोस्तों BTST में ये परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कम नहीं होता, तो 7% भी इस डिसेंट प्रॉफिट, हालांकि ये हर किसी के लिए बस की बात नहीं है। सेंट्रल बैंक की बात करें तो ये 5 फरवरी को क्लोज हुआ, इसके आसपास ओपनिंग पे आपको लगभग 0.8% के रिटर्न मिलते, यानी कि 80% के 0.80,
और लगभग क्लोजिंग के आसपास 2 से 2.5% के रिटर्न मिलते हैं। और अगर डे हाई की बात की जाए तो 6% का डे हाई इसने लगा दिया दोस्तों। तो यह है हमारे रिसर्च। और एनएचपीसी की बात करें तो एनएचपीसी में क्या हुआ दोस्तों, देखिएगा 5 फरवरी यहाँ पे है अभी, इसमें आपको अगर देख रहा होगा तो रेड कैंडल्स दिख रही है बट लॉस नहीं हुआ दोस्तों। यहाँ पे क्लोजिंग पे आस पास बाय करोगे, ओपनिंग के आसपास आप सेल करोगे, 3.5% का प्रॉफिट है दोस्तों। हाँ हालांकि आप डे हाई क्लोज तक लुकते तो 2% का लॉस था, बट एवरेज आप प्रॉफिट में रहते तो 6% का अगर आप डे हाई तक प्रॉफिट जनरेट करते तो भी था, मतलब एवरेज अगर आप 4% भी ले लेते और 2% गवा लेते तो आपका 2% एवरेज प्रॉफिट रहता है दोस्तों इस स्टॉक में, जैसे कि मैंने स्ट्रेटजी बताई है। SJVN की बात की जाए तो ये देखिएगा दोस्तों, 5 तारीख ये रही 5 तारीख इसकी क्लोजिंग दोस्तों, क्लोजिंग देखिएगा यहाँ पे है क्लोजिंग, और इसकी ओपनिंग ही लगभग 2% के प्रॉफिट में हुई है, और इसके डे जो हाई लगाया है वो लगाया है लगभग 7% का, और क्लोजिंग हालांकि दी है थोड़ी सी 1 से 1.5% नेगेटिव में। तो ओवरऑल जो मेरी स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से आप प्रॉफिटेबल रहते हैं दोस्तों, 6 से 7% आपको एक एक दिन में मिल रहे हैं दोस्तों उस जगह, और क्या ही चाहिएगा। तो ये देखिएगा दोस्तों लेटेस्ट जो 8 तारीख का स्टॉक आया येस बैंक, तो 8 तारीख ये रही दोस्तों 8 तारीख, इसकी क्लोजिंग के आसपास में आपको बाय करना था, और ओपनिंग की अगर आप सेल करने की कोशिश करते तो 0.5% प्रॉफिट मिलता, बट अगर आप क्लोजिंग तक वेट करते तो आपको 4 से 5% मिलते, और अगर आप डे हाई के वेट करते तो डे हाई तक आपको 9 से 10% के रिटर्न्स मिलते हैं दोस्तों। ये गजब है दोस्तों ये स्टॉक का। अगर जोमेटो की बात की जाए तो उसी दिन जोमेटो भी आया, 8 तारीख को ये आया, और इसका नाम भी मैंने शर्ट जी का बहुत ज़बरदस्त रखा है दोस्तों, आप जब स्कैनर लोगे तब पता लगेगा। तो 8 फरवरी की क्लोजिंग पे बाय किया, ओपनिंग पे आपको सेल करना था 2% का प्रॉफिट, और अगर आप क्लोजिंग पे भी सेल करते तो लगभग 3 से 4% का प्रॉफिट, और अगर आप डे हाई तक ले जाते तो लगभग 5% का प्रॉफिट दोस्तों, इज 5% प्रॉफिट इज डिसेंट दोस्तों। तो अगर आप ऐसे रिटर्न चाहते हो और ये स्कैनर लेना चाहते हो तो ये स्कैनर मैं आपको बता दूं कि एक पेड स्कैनर है, और आप ले सकते हैं हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में जिसमें ये स्कैनर अवेलेबल रहता है। अभी प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में बताना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।